फ्रेंड्स, फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है मेरे चैनल टीएच इलेक्ट्रॉनिक्स पे। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ये होम थिएटर स्पीकर्स को जो है रिपेयर करने के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये जो है होम थिएटर स्पीकर है जो कि बहुत बुरे तरीके से डैमेज है। तो इसको कैसे रिपेयर करेंगे उसी के बारे में आज मैं आप लोगों को वीडियो बता रहा हूँ। तो आप लोग देखेंगे फ्रेंड्स, इनका जो है वायर्स में फ्रेंड्स मेन प्रॉब्लम आ जाता है। आप लोग देखेंगे इनका जो है वायर्स के वजह से मतलब साउंड फटने लगता है या डिस्टॉर्शन वगैरह आ जाता है थोड़ा बहुत, तो देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग इसका वायर चेंज करेंगे और इन्हें मतलब देख सकते हैं थोड़ा सा टूट वगैरह गया है, तो इसे कैसे फिक्स करेंगे थोड़ा वो भी देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका वायर चेंज करने के लिए मैंने जो है ये ऐसा टाइप का वायर लाया है। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग और भी बहुत टाइप के वायर आप लोगों को मार्केट में मिल जाएगा। आप लोग ऐसा डुअल वाला वायर ले आएँ, देख सकते हैं आप लोग कोई भी कलर में लाएंगे चल जाएगा इसमें। जैसा कि स्पीकर में पहले से वाइट ब्लैक लगा है ऐसा मिल गया, ऐसा भी ठीक है। और ऐसा भी ला सकते हैं कैसा भी, जैसा आप लोगों को अवेलेबल हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये वाला वायर जो है मुझे 6 रुपये पर मीटर के हिसाब से पड़ा, मैंने 3 मीटर लाया है। और देखेंगे कि हमें जितना ज़रूरत है उतना वायर इनमें एक एक स्पीकर में लगा देंगे हम। और इसके साथ फ्रेंड्स मैंने ये जो है ये RCA केबल का लाया है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 ठोक हमने लिया है 2 चैनल के लिए, मतलब 2 स्पीकर के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी से इसका वायरिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर में जो है 4 ओम 15 वाट का इंटेक्स का जो है स्पीकर लगा हुआ है, जो कि 2.5 इंच के आसपास का है, 3 इंच का तो नहीं है ये, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं ये अच्छा खासा वूफर है। और फ्रेंड्स इसका जो टोटल होम थिएटर है वो काफ़ी अच्छा बेस निकालता है। मैं आप लोगों को उसका मॉडल नंबर बताऊं, सबसे पहले जो है मैंने इन वायर को कट कर लिया है, जो कि 1 मीटर के आसपास का मैंने कट किया है। इसको मैं नापा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने मतलब यूज़ के हिसाब से इसे कट कर लिया हूँ। आप लोग अपने यूज़ के हिसाब से वायर लें कि आप लोगों को कितना लेंथ चाहिए। तो मैं थोड़ा सा कम ही लिया हूँ, क्योंकि वायर को मतलब टेंगल ज़्यादा हो जाता है, उसके लिए थोड़ा कम ही लेंथ में लिया हूँ। तो चलिए अभी जल्दी से जो है इसका सोल्डरिंग कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूँ। फ्रेंड्स अभी आप लोग देख सकते हैं जो कनेक्शन है वो कम्प्लीट हो चुका है, और अभी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो फ्रेंड्स उसका सोल्डरिंग आयरन का जो है वायर का लेंथ थोड़ा छोटा है, इसलिए मैं आप लोगों को वीडियो में नहीं दिखा पाता हूँ, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। मैं जल्दी उसे थोड़ा ठीक करने का कोशिश करूँगा। और अभी आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स इसके ऊपर जो है स्पीकर के ऊपर आप लोग देखेंगे इस साइड में प्लस का निशान बना हुआ है, तो इधर मैंने रेड वाली वायर कनेक्ट किया है, और उस साइड माइनस वाला है तो ब्लैक वाली वायर कनेक्ट किया है। और यहाँ पे वही लिखा हुआ है 4 ओम 15 वाट। और इस स्पीकर में भी फ्रेंड्स सेम कनेक्शन किया है, जिस साइड प्लस है फ्रेंड्स उस साइड रेड वाला और इधर नेगेटिव, तो ऐसा मैंने कनेक्शन किया। आप लोग देख सकते हैं वायर बहुत अच्छा लग रहा है इन स्पीकर्स में। और अभी जो है मैं इन्हें फिट कर लेता हूँ, तो देखेंगे ये वायर ऐसे कुछ राउंड होकर लगा हुआ है, तो मैं अभी इसे निकाल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स ऐसा रोल हम लोग इसलिए करते हैं ताकि आप लोगों का वायर जो है ज़्यादा खिंचा मत जाए, ताकि उससे क्या हो सकता है फ्रेंड्स आप लोगों का सोल्डरिंग वगैरह खुल सकता है। तो इसलिए हम ऐसा टाइप का एक नॉट बांधते हैं यहाँ पे, और फिर जो है हम यहाँ इसे इस होल से बाहर निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं होल थोड़ा सा जो है इसमें छोटा हो रहा है, तो अभी जो है हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग ये कैंची की मदद से भी कर सकते हैं इसे ऐसे थोड़ा सा, बस ये आप लोगों का अभी सफिशियंट हो गया है इसमें। और अभी हम इसे लगा के देख लेते हैं वायर्स को, तो हाँ ये आसानी से अब निकल जा रहा है यहाँ से। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप लोगों को भी करना है अपने होम थिएटर का स्पीकर को ठीक। और देख सकते हैं ये हो चुका है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स अभी देख सकते हैं ये हो चुका है, और यहाँ पे जो है फ्रेंड्स इसके नट्स लगते हैं। आप लोग देखेंगे ये 4 ठोक यहाँ पे नट्स लगते हैं, लेकिन मेरा जो है ये टूट चुका है, तो इसमें तो अभी हम नट नहीं लगा पाएंगे, इसे ऐसे ही रबड़ बैंड से मुझे अटकाना पड़ेगा। और देख सकते हैं ये वायर कुछ इस तरीके से निकला हुआ है स्पीकर से, आप लोग देखेंगे। और अभी जो है पहले दोनों स्पीकर को हम कनेक्ट कर लेते हैं, फिर एक साथ जो है इनका RCA केबल लगाएंगे, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं ये भी हो चुका है। फ्रेंड्स थोड़ा सा ये जो है मोटा वायर था, तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सही से मतलब फिट करने में थोड़ा सा वो हो, लेकिन ये जो है एट लास्ट हो ही जाएगा फिट। तो फ्रेंड्स अब आप लोग देख सकते हैं दोनों स्पीकर जो है हो चुका है कंप्लीट, मतलब इनमें सोल्डरिंग वगैरह सब हो चुका है। अब हम इनमें लगाएंगे RCA केबल, तो चलिए दोनों में लगा लें। फ्रेंड्स सबसे पहले जो है आप लोगों को RCA केबल को कुछ इस तरीके से खोल लेना है, और आप लोग देख सकते हैं 1 ठोक जो है मेरा RCA केबल का ये टूट चुका है, तो कोई बात नहीं, फिर भी हम इसे जो है फिक्स कर सकते हैं आसानी से, मैं वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमको जो है इसके अंदर से ऐसे वायर को निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स फाइनली जो है जब आप इसे इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि इसमें जो पॉजिटिव वाली वायर है, जो रेड वाली वायर है, उसको आपको ये जो बीच के होल है इसी में लगा देना है डायरेक्ट। तो देख सकते हैं इसे ये वायर इसमें जो है फिट हो चुका है, और ये जो है अभी अंदर जा चुका है आधा, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे ही कनेक्ट हो जाएगा अभी, ठीक है। और ये जो है 1 ठोक बचा हुआ है, तो इस साइड का ये टूटा हुआ है, तो हम इसे कुछ इस तरीके से करेंगे। आप लोग देख सकते हैं ग्राउंड वाले वायर को हम जो है बाहर साइड टच कर देंगे,
और फ्रेंड्स ध्यान रखें कि ये जो बीच वाली वायर है इससे ये टच ना हो, और आप लोगों को कुछ इस तरीके से इसे बंद कर देना है। तो फ्रेंड्स फाइनली देखेंगे आप लोग जो है ये कितने आसानी से जो है ये फिट हो गया है, और देख सकते हैं साइड से थोड़ी सी वायर निकली हुई है, लेकिन इससे हमको कोई टेंशन नहीं है, आप लोगों का आसानी से कनेक्ट। फ्रेंड्स मेरे पास जो है ये आरसीए केबल पहले से रखे थे और थोड़े से डैमेज थे, लेकिन मैंने जो है इसे यूज़ कर लिया है, और आप लोगों को भी एक ट्रिक बता दिया है कि कैसे आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इसी तरीके से आप लोगों को इसमें भी करना है, थोड़ा सा ऐसे अंदर टाइप घुसा लेना है इसे, और देख सकते हैं वायर एकदम अच्छे से टाइट हो गया है। हो सकता है आप लोगों का वायर यहाँ पर ढीला हो जाए, तो आप लोगों को उसके लिए वायर को ऐसे ऊपर करके फिर कर लेना है। तो आप लोग कोशिश करें कि वायर ढीला ना हो यहाँ पे, और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं वायर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है जो कि बहुत बाहर जा रहा है। हम लोग फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा ऐसे इतना काट लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये बराबरी में आ जाएगा यहाँ तक, आप लोग देखेंगे, और इस तरीके से आप लोगों को यहाँ से पकड़ना है। और अगर आप लोगों के में ऊपर साइड से है लगाने को, तो आप लोग डायरेक्ट वहीं से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे पकड़ के और फिर इसको घुमाते हुए इस तरीके से आपका ये हो गया कम्प्लीट, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं दोनों का हमारा आसानी से कंप्लीट हो, देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है अब ये, देख सकते हैं एकदम छोटा सा वायर मैंने, मतलब छोटा वायर जानबूझ के लगाया है इसमें ताकि टेंगल ना हो ज़्यादा, और देख सकते हैं इसमें भी कितना अच्छा दिख रहा है छोटा सा वायर और ये छोटा सा कनेक्शन। और यहाँ पे ये जो है मेरा थोड़ा लूज़ है, तो मैं इसमें डबल रबड़ बैंड लगाऊंगा ऊपर नीचे से, तो ये भी ठीक हो। अब बारी है इसके ऊपर के नेट को लगाने की, तो ये वाला नेट इसका है, तो इसका इसी में लगा देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स दोनों जो है ये यहाँ पे ठीक तो हो चुका, तो चलिए फ्रेंड्स अभी जो है इसे टेस्ट कर लेते हैं। ये दोनों को जो है हमने रिपेयर कर लिया है बहुत अच्छी तरीके से, और अभी हम इसे होम थिएटर के साथ टेस्ट करने वाले हैं कैसा वर्क कर। फ्रेंड्स ये वाला है मेरा होम थिएटर जो आप लोग देख सकते हैं, तो इसका फ्रेंड्स थोड़ा सा हालत बुरा है, आप लोगों को भी दिख रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं इसमें ब्लूटूथ वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ ये कंप्यूटर के लिए बनाया गया है। और इसका मॉडल नंबर, सब्सक्राइबर भी मुझे बता रहे थे कि ऐसा टाइप का मतलब कम बजट में इतना अच्छा बेस क्वालिटी आजकल नहीं मिलता है। हालांकि इसमें ब्लूटूथ वगैरह नहीं है, लेकिन इसका बेस क्वालिटी बहुत अच्छा है, बेस टेबल सब फुल है। अभी हम इसे पावर ऑन करके इसका साउंड क्वालिटी टेस्ट करेंगे, फिलहाल मैं इनको सबको एक साथ रख लूं। फ्रेंड्स अभी आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो है पूरा कनेक्शन मैंने कर लिया है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ, जो कि स्पीकर है बहुत अच्छा लगा रहा है, मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं इसके वायर्स को, मतलब ये थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं होम थिएटर थोड़ा सा पुराना हो चुका है, 5-6 साल हो चुका है, इसलिए थोड़ा गंदा भी दिख रहा है। तो ये चीज़ को तो हम थोड़ा बहुत साफ सफाई करके ठीक कर सकते हैं, उससे तो हमको लेना देना नहीं है। तो चलिए मैं आप लोगों को अभी कनेक्शन दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी आप लोग देख सकते हैं कि इसमें ये ऐसी रेड वाली वायर कितनी अच्छी लगती है, आप लोग देखेंगे रेड ब्लैक कलर में, और ये बहुत एक अच्छा लुक दे रही है, आप लोग देखेंगे। तो चलिए अभी इसे जो है हम टेस्ट करके देखते हैं। आप देख रहे होंगे कि ये वाला एक वायर निकला हुआ है, तो ये मैं एक्स्ट्रा वूफर को कनेक्ट कर सकूं, उसके लिए मैंने ये एक्स्ट्रा वायर निकाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं पीछे का कनेक्शन और ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए इसे अभी ऑन करके देख लेते हैं। ये स्पीकर रिपेयरिंग और उसका जो है हमने तार चेंज किया, तो आप लोग देख सकते हैं इसका जो है साउंड एकदम अच्छा आ रहा है। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को इसका पहले का साउंड नहीं दिखा पाया, क्योंकि वो वैसे ही बहुत खराब आ रहा था और आ भी नहीं रहा था। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स आप लोग अगर आपके स्पीकर में कम आवाज़ आ रहा है, या फिर आप लोगों को लग रहा है कि जब आप नया होम थिएटर लिए थे उस टाइम से अभी के आवाज़ में फ़र्क आ गया है, तो आप लोग मेक श्योर करिए कि आप लोग एक बार वायर को चेक करिए, वायर का ही फॉल्ट होता है, क्योंकि टाइम के साथ फ्रेंड्स वायर का रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है। और फ्रेंड्स रेजिस्टेंस जब बढ़ेगा तो आप लोगों का जो साउंड, जो एम्पलीफायर से अगर 20 वाट निकल रहा है, लेकिन इसमें 20 वाट तो नहीं निकलेगा, 5-10 वाट निकलता है एक स्पीकर के लिए, तो अगर आप लोगों का 10 वाट एम्पलीफायर से निकल रहा है तो वो क्या बोलते हैं स्पीकर तक आते आते 7 या 8 वाट ही रह जाता है, अगर आप लोगों का वायर का क्वालिटी अच्छा नहीं है। तो मेक श्योर करिए कि आप लोग अच्छा वायर लगाएं इसमें, ठीक है, भले आप लोग कॉपर का ना लगाएं वो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता इसमें, लेकिन आप लोग अच्छा वाला लगाएं, ठीक है। तो यही था फ्रेंड्स वीडियो में, अगर आप लोगों को प्लीज़ अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको और भी होम थिएटर से रिलेटेड कोई क्वेरीज है, तो मैं उसको भी सॉल्व करूंगा, क्योंकि एक सब्सक्राइबर ने ही मुझे ये चीज़ के बारे में मतलब बताया था कि उसके पास भी ऐसे ही सेम होम थिएटर है और टाइम के साथ उसका आवाज़ कम हो गया, तो उसी के बेस पर मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था सेम। तो अभी तो साउंड इसमें ठीक आ रहा है फ्रेंड्स, होप करता हूँ आप लोगों का भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कोई और प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, उस पर भी वीडियो जल्दी लाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।